अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना मुबशर और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो है रफ़ कटिंग के मुतल्लिक। जैसे कि आप क्लिपों में देख रहे हैं, भाई के बालों के लेंथ का साइज़ अच्छा खासा है, तो इसको हम सबसे पहले जो है ना हाफ़ ट्रिम करेंगे। और जैसे कि आप व्यूज़ देख रहे हैं, हम इनको हाफ़ ट्रिम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिमिंग हम करेंगे, इसको कट्स में करेंगे। तो ये जैसे जैसे हम ये रफ़ कट्स करते जाएंगे, आप देखिएगा लेंथ का जो साइज़ है वो काफ़ी कम होता जाएगा। अगर आपने ये वीडियो यहीं पे छोड़ दी तो ये आपको नहीं पता लगेगा कि ये भाई की कटिंग के बाद की लुक कैसी थी, क्योंकि ये कटिंग के बाद भाई की लुक बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने सिर्फ़ एक साइड की ट्रिमिंग वगैरह की है, तो अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। और मज़ीद वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक हसब रवायत गुफ्तगू है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल उस्मान TY370 को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि कटिंग और फेस के मुतलिक तो वीडियो आनी आनी है। मुस्तकबिल में और भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आएंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक आएगी। जैसे कि व्यूज़, रफ़ ट्रिमिंग जो है वो तो साइज़ की कम हो चुकी है। अब हम बालों को जो है ना, उसका जो वेट है ना, वो वेट कम करेंगे। और उसको कम करने के लिए हम जो है वो अपने कंघा और सीज़र का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम इनको लेयर्स में उठाएंगे हल्का हल्का, और इनका वेट जो है वो कम करते जाएंगे। वेट कम करने से ये होगा कि कटिंग का जो कानों वाली साइज़ की जो लेंथ है, उसका वेट कम हो जाएगा। और वो जो साइड है ना, वो बहुत अब ज़बरदस्त, और उस साइड की जो लुक है ना, वो नोकिंग में बहुत ज़बरदस्त निकल आएगी। ये आप जैसे जैसे वीडियो मुकम्मल देखते जाएंगे और कटिंग जो है हम रफ़ कंप्लीट करते जाएंगे, तो ये लुक्स जो है आप बेहतर होती हुई नज़र आएगी। आप जैसे कि आपने पीछे क्लिपों में देख लिया, ये जो साइड है, ये इसकी जो नोकिंग वगैरह, वेट वगैरह और साइज़ जो है वो कम हो चुका है। ये टोटली साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो हम आपको क्लिप दिखाएंगे वो फास्ट वीडियो में दिखाएंगे, और जो भाई की लुक है वो वीडियो के एंड में आप देखिएगा, आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये कटिंग होने के बाद भाई की लुक बहुत ज़बरदस्त थी। और आपने कमेंट करके लाजमी बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अब जबकि ये वाली साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें मज़ीद खूबसूरती डालने के लिए हम इसका वेट थोड़ा सा और कम करेंगे, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थ्री सीज़र। थ्री सीज़र को आपने बहुत ही लाइट हैंड से इस्तेमाल करना है, ताकि इसका ज़्यादा वेट लूज़ ना हो। बिल्कुल हल्की हल्की लगा के उसका वेट जो है वो नॉर्मल सा कम करके फिर ये साइड मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम दूसरी साइड की तरफ जाएंगे, जो कि मैंने पिछले क्लिप में आपको बताया है कि उसको फास्ट वीडियो में दिखाएंगे।
जैसे कि व्यूज़ आपने पीछे क्लिपों में देख लिया भाई की जो कटिंग हमने कंप्लेंट कर ली और किस तरह की, अब ये जो क्लिप देख रहे हैं इसमें हम आपको भाई की रफ़ हालत की वो क्लिप दिखा रहे हैं जो इन्होंने कटिंग करवाने से पहले हमने बनाए हुए थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी नई कोशिश और हमारी ये नई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप जिन जिन शहरों से ये वीडियो देख रहे हैं उन शहरों का नाम कमेंट में बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। तो ये वीडियो के अब एंड में जो है हम आपको भाई की फ़ाइनल जो लुक है वो दिखाएंगे। अब जब कि कटिंग वगैरह भी हो गई है, भाई तैयार हो के भी आ गए हैं। इसमें बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी ब्लोर की और हेयर स्प्रे की। तो अब हम ये दोनों चीज़ें भी करके भाई को कम्प्लीटली टोटली जी व्यूज़। अब ये जो फाइनल क्लिप आप देख रहे हैं इसमें भाई के जो बालों का बहुत बड़ा जो साइज़ था अब कम हो चुका है। अब ये नीट क्लीन बिल्कुल रफ़ नॉर्मल सी जो कटिंग होती है वो आपकी ज़ेर नज़र है। अगर आपको ये हमारी नई कोशिश नई वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं आपका अपना मुबशर, अल्लाह हाफिज़।